कुरुक्षेत्र में लॉकडाउन के चलते औने पौने दाम मिलने से खेतों में सड़ रही सब्जियां, टमाटर, धनिया, बैंगन, शिमला मिर्च, किसान बोले मंडियों में लागत मूल्य भी पूरा नहीं तो मुनाफा तो बड़े दूर की बात। किसानों की चेतावनी, हालात नहीं सुधरे तो हम हो जाएंगे बर्बाद। बता दें कि लॉकडाउन के चलते सब्जियों में टमाटर, धनिया, बैंगन, शिमला मिर्च के दाम औंधे मुंह गिरने यानी लागत भी पूरी नहीं हो रही, जिस कारण किसान बर्बादी की कगार पर आ गए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से खेतों में शिमला मिर्च, धनिया, टमाटर और बैंगन पककर तैयार हैं। बस मंडी और वहां से ग्राहकों के किचन तक पहुंचना है, लेकिन मंडी पहुंचाने का भाड़ा व फसल तोड़ने की लेबर भी पूरी नहीं मिल रही, जिस कारण ये फसलें खेतों में सड़ रही हैं। आइए अब आपको कुछ किसानों से रूबरू कराते हैं। किसान नरेश कुमार का कहना है कि उन्होंने धनिया, टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन लगाया था, पनीरी कढ़ाई, फिर से दवा स्प्रे आदि के हजारों रुपए खर्च किए और आस थी कि मंडी में जाकर फसल बेचेंगे, मुनाफा होगा, लेकिन मंडी में ग्राहक नहीं है, जिस कारण दाम नहीं मिल रहा। मैंने सब्जी का काम करता हूँ, जैसे धनिया लगा रखा है 3 किलो, 2.5 किलो के एकड़, और 1 किलो शिमला मिर्च का लगा रखा है, और टमाटर लगा रखे हैं, बैंगन लगा रखे हैं। तो ऐसी हालात हो गई है कि सब्जी मंडी में लेके जाते हैं तो लेबर भी पूरी नहीं होती। लॉकडाउन के कारण जिम्मेदार आम आदमी किसान बिल्कुल भूख मर गया, ऐसी दगार पे आ गया कि कर्जे में दब गया। अचानक से ऐसे हो गए कि जिस हिसाब से कर्जा चढ़ गया, लाला उसे पैसे ले लेके पौध ले, पनीरी ले, कढ़ाई करी, दवाइयाँ स्प्रेयां करी पे, और आज लाले करे हमारा पैसा दो। पैसा कहाँ से दें, सब्जी बिक नहीं रही, टमाटर खेत में सड़ रहे, धनिया खेत में सड़ रहा, शिमला मिर्च खेत में सड़ रही, बैंगन से खेत में सड़ रहा। हालात ऐसे हो गए कि आत्महत्या करने के बिल्कुल इंतजार पे आ गए। इसी तरह किसान रवि कुमार कहते हैं कि लॉकडाउन के चलते खेतों में फसल सड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हालात नहीं सुधरे तो किसान बर्बाद हो जाएंगे और वे आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। वहीं मंडी में आज रेट इस तरीके से रहे, टमाटर, धनिया 10 रुपए किलो, शिमला मिर्च व बैंगन 15 रुपए किलो बिक रहे थे। मेरा नाम रवि कुमार, गाँव के जिला क्षेत्र से, मैं 5 साल से खेती कर रहा हूँ, लेकिन 3 किलो धनिया के और 1 किलो शिमला मिर्च का लगाया था, जिसकी लॉकडाउन की वजह से सब्जी मंडी में बिक नहीं रही है, जिसकी वजह से खेत में सड़ रही है फसल, और मंडी में इसकी तुड़वाई पूरी नहीं होती। मंडी में ले जाते हैं तुड़वा कर, लेबर भी पूरी नहीं होती, बाकी खर्चा तो बाद की बात है, जो खर्चा होता है इसके ऊपर। बस मैं तो गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि किसान वर्ग की तरफ या मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग की तरफ ध्यान दे और इनकी तरफ कुछ हालात देखे इनके और इनके कुछ ना कुछ मुआवजा दे। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।